सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। टूटी कमल और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती, बिना करे तो पछताना है, इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। अगर हम हमारी जिंदगी सिर्फ कल के बारे में सोचने में निकाल देंगे तो हम हमारी जिंदगी के अहम पलों को नहीं जी पाएंगे। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। आज का पंचांग 3 जून 2021 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि, रात्रि 2:22 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 6:35 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:05 से 3:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर दोपहर 12:07 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 3 जून 2021 दिन गुरुवार, आपकी प्रवृत्तियां आज काफी सक्रिय रहेगी और आपको उनके सुनकर ही आज आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक कि अगर आपके आस पास हर किसी की राय अलग हो तो भी आप उनकी ना सुनकर अपने ही मन की सुनें। आपके लिए शायद अभी यह कर पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको अपनी आंखों और कान खुले रखकर अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को पकड़ना है। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, आप उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। काफी समय से कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से मन में राहत रहेगी। पारिवारिक अव्यवस्था को भी दूर करने के लिए आपका प्रयास व मेहनत कामयाब रहेंगी। प्रकृति के साथ बिताया हुआ समय आपको आनंद देगा और आपके मन में उत्पन्न हो रही नकारात्मक भावनाओं को भी दूर करेगा। खुद के जीवन में बदलाव लाने के लिए आप हर एक छोटी बात पर ध्यान देंगे, जिसकी वजह से आपकी स्थिति में तुरंत बदलाव नजर आने लगेगा। व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम से संबंधित स्थिरता महसूस होगी। पैसों की आवक भी जारी रहेगी। फिलहाल अपनी प्रगति को कायम रखने की कोशिश करें। आपको और पार्टनर का जिद्दी स्वभाव विवाद का कारण बनेगा। पीठ और कमर दर्द तकलीफ दे सकता है, ध्यान रखें। दोपहर बाद का समय अधिक अच्छा रह सकता है। पैरों में खिंचाव या तरंगे उठने से परेशानी हो सकती है। इंचार्ज को प्रतिकूलता रह सकती है। सावधानियां, दूसरे पक्ष में कुछ प्रतिकूल परिणाम मिल सकते हैं। बनते कार्यों में विघ्न बाधाएं आएगी। किसी प्रिय संबंधित द्वारा अशुभ समाचार मिलने से घर में सुखद वातावरण रहेगा। सबका मनोबल बनाकर रखना आपका दायित्व है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहयोग बना रहेगा। ऑनलाइन शॉपिंग में भी खुशनुमा समय भी व्यतीत होगा। आपको अपने साथी की शारीरिक या भावनात्मक रूप से चाह है, जो कि आपसे दूर हैं। दूरी को पाटना मुश्किल है, पर भावनात्मक तौर पर आप आसानी से अपने साथी के साथ जुड़ सकते हैं। अपने अहंकार को दूर रखें और पहला कदम उठाएं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपका साथी भी उसी अनुपात में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। इस अदृश्य दीवार को तोड़कर आगे बढ़ें। बात करते हैं करियर की। आपकी वित्तीय जरूरतों पर अनसोची व अप्रत्याशित मांगों की वजह से दिन परेशानी में रह सकता है। आपने अपने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी बिलों और अन्य दायित्वों की जांच करें। अनदेखे में निकट भविष्य में वह राशि बड़ी मात्रा में आपको परेशान कर सकती है। आपको कुछ पुराने कर्जे का भुगतान करना पड़ सकता है जिसे आप भूल चुके थे। व्यक्तिगत कामों की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु फोन के माध्यम से अधिकतर काम संचालित भी होते रहेंगे।
अगर वे विषय को बढ़ाने के लिए किसी साझेदारी संबंधित विचार कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही उचित नहीं है। गले में इन्फेक्शन की वजह से बुखार की समस्या भी रह सकती है। पूरा ख्याल रखें। आज के दिन अपने स्वास्थ्य में सुधार और अपनी सेहत के लिए कोई दृढ़ संकल्प वाला कदम उठाने में बिताएं। आज आप काफी सख्त शारीरिक एक्सरसाइज वाली क्लास ज्वाइन या कोई डाइट कार्यक्रम कर सकती हैं, लेकिन यह भी तय है कि आप चाहे जो सोचें उस पर आसानी से चल पाएंगे। आप मानसिक सेहत के लिए भी सांस की एक्सरसाइज तथा योग आदि कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आज कम होंगी और आप इससे काफी हद तक आराम महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज आप गरीबों को चने की दाल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।